फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, इसलिए सुबह सुबह 3 बजे से मैं शूट कर रहा हूँ। सॉरी, पहले आपका वेलकम कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी। आप लोग को मेरा वीडियो कैसी लगती है, आप लोग ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्दी बहुत ज्यादा थी, मैं खूब सारे कपड़े पहन लिए थे और मैं यहाँ रेडी हो चुका हूँ स्टेशन निकलने के लिए। ज्यादा कुछ सूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि सुबह जल्दी से ट्रेन है और यहाँ पे 3:30 के करीब हो रहा था, अभी जल्दी से निकलना था, मेरी ट्रेन थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बस थोड़ा सा सूट किया और अपनी पैकिंग रात में ही कर ली थी। पर लाइट नहीं आने की वजह से मैं उसको सूट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप देखो मैं निकल चुका हूँ। स्टेशन पहुंचकर आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे यहाँ का स्टेशन। देख सकते हैं आप लोग, ट्रेन आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, स्टेशन पहुंच चुका हूँ मैं। यहाँ कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। कोहरा भी बहुत तेज है, ठंड भी बहुत है। आप लोग बताइए आप लोग यहाँ कैसी ठंडी हो रही है। देख सकते हैं आप लोग कोहरा। यहाँ पे ट्रेन आ चुकी थी और कोहरा बहुत ज्यादा था। अब जाके मैं बैठ जाता हूँ, निकलता हूँ अपने घर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ट्रेन पे चढ़ गया हूँ और अब बैठूंगा क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा थोड़ा बाहर का मौसम सूट कर लिया जाए, तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा था। ट्रेन बहुत धीमे चल रही थी, मैं बहुत लेट पहुंचा था, लेट ट्रेन हो गई थी क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा था। आप लोग देख सकते हैं आपके यहाँ कैसा कोहरा, सर्दी कैसी हो रही है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है वो भी बताइएगा। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा था इसलिए उनसे थोड़ी आपसे बात कर ली जाए, इसलिए हमने आवाज ओरिजिनल वाली बंद कर दी है। और यहाँ पे देखिए मैंने बाहर का नजारा शूट किया था और ये मैं बैठा हूँ। देख सकते हैं, हमने सोचा थोड़ा बाहर का ऐसे भी दिखा दिया जाए। सॉरी, आप लोग ऐसे मत लटकना, वो मैं थोड़ा सा शूट करने के चक्कर में, थोड़ा आप लोगों को दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा बाहर देखने लगा था। और ये देखिए, अच्छा भी बहुत लग रहा था, सर्दी भी बहुत थी। और देखो ये कैसे लोग खड़े हुए हैं इतनी सर्दी में, जा रहे हैं अपने घर के लिए, मैं भी जैसे जा रहा हूँ। और मेरे फोन में बैटरी बहुत कम थी इसलिए ज्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ और घर जाके भी शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बैटरी लो हो गई थी, इतनी सर्दी थी तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वहाँ पे ध्यान भी नहीं दिया और आते वक्त भी नहीं शूट हो पाया है। बस जाने का ही शूट कर लिया था जो कि आप सबके सामने है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये आने वाला था मेरा स्टेशन, इसीलिए मैं देख रहा था। और यहाँ पर मम्मी ने बहुत सारा दूध भेजा था। मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर, आ चुका था रूम पर। मम्मी ने बहुत सारा दूध डाल दिया था, भेज दिया था घर से, तो मैंने आके कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धुला और बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफी बनाई है। आइए आप सब भी पी लीजिएगा आके, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर कॉफी बन चुकी है मेरी और मैं ग्लास में ही पीता हूँ, इसलिए मैंने ग्लास में निकाल ली है। कुछ लोग कप में पीते हैं या मैं तो स्टील के ग्लास में ही पीता हूँ। देखो कितनी मस्त कॉफी बनी, आप लोग भी पी लीजिएगा और बताइएगा मेरी कॉफी कैसी बनी है, कैसी लगी आप सबको। और अब मैं बैठ के इसको पीता हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। और सॉरी, मैं आते वक्त या घर का ब्लॉग नहीं बना पाया, अगली बार जाऊंगा तो मैं जरूर बना के लाऊंगा, मिलवाऊंगा अपने घर के सदस्यों से। और ये देखिए मेरी चाय रेडी, कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे मम्मी ने बहुत सारा खाना भेजा था, जिसमें से था पहले बाजरे के पुए। आप मैंने आप
आप लोगों ने अगर खाया हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ पे मूंगफली की चक्की थी, तिली के लड्डू थे, बहुत सारा सामान था, पूरी थी, सब्जी थी, सब भेजा था। थैंक यू सो मच।